दोस्तों संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल संधू एग्रो फार्म में। मेरा नाम है पारस। काफ़ी टाइम से मेरे को कमेंट आ रहे थे कुछ लोगों के, मेरे कुछ भाइयों के, कि आप डॉग फूड के ऊपर भी वीडियो बनाओ। तो मैं आज लेके आया हूँ डॉग फूड के ऊपर वीडियो। बहुत इकोनॉमिक डॉग फूड आज आपको दिखाऊंगा मैं, जो मतलब आप घर पर बहुत ईजिली बना सकते हो और एज़ कम्पेयर टू पेडिग्री या ड्रोल, अगर हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, उसके कंपैरेटिव बहुत अच्छा और उससे ज़्यादा फाइबर, उससे ज़्यादा प्रोटीन इस डॉग फूड में होगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो जैसे कि मेरा ये कैनल है और मैं यहाँ पे अभी मेरे पास अभी 7 डॉग्स हैं, ठीक है, और आगे भी ये बढ़ेंगे धीरे धीरे परिवार बड़ा होता है। और मैं रोज़ मतलब इतना डॉग फूड अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास डॉग ज़्यादा हैं। मैं ज़्यादा पेडिग्री खिलाऊंगा अगर इन्हें तो बचाऊंगा क्या, ठीक है। तो मैं इनके लिए फूड बनाता हूँ खुद से, ठीक है। और फूड में क्या है, सुबह के टाइम इनको मैं देता हूँ दलिया। तो फ्रेंड्स दलिया जो है अपना, वो है अपना गेहूं का और मक्के का। इसको हमने 70-30 के रेशियो में लेना है। 70% आपका गेहूं का दलिया रहेगा और 30% जो रहेगा मक्के का रहेगा। मक्के की जगह आप चावल का जो घुन होता है, चावल जो छोटा टुकड़ा होता है, वो भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा है। उनको हम मिला देंगे और अच्छे से इसको फिर हम बॉईल करेंगे। आगे का प्रोसेस मैं आपको आगे दिखाता हूँ, तो बने रहेंगे। फ्रेंड्स ये हमारा दलिया पक रहा है जैसे कि आप देख रहे हो, और इसको आपको 10 से 20 मिनट तक पकाना है मीडियम या फिर धीमी आंच पे। ये जब अच्छे से पक जाएगा तो आपको इसे चमचे से मिक्स करना है और बाकी की चीज़ें इसमें मिलानी है जैसे कि आपको आगे दिखाया जाएगा। तो जैसे कि हमारा दलिया पक चुका है, अब इसे हम ठंडा कर रहे हैं। इसके अंदर छाछ मिला के या फिर दही मिला कर इसको और पतला कर रहे हैं ताकि डॉग इजीली इसे खा सके। और फ्रेंड्स छाछ ज़रूर मिलाइएगा इसमें क्योंकि इससे भी फ्लेवर आता है, इजीली डॉग इसे खा जाएगा। इसके अंदर आप मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम भी डाल सकते हैं। और जैसे कि कुछ लोगों को डिवॉर्मिंग करने में दिक्कत आती है, डॉग मतलब दवाई नहीं खा पाता ढंग से, तो आप इसमें भी एडअप कर सकते हो डिवॉर्मिंग की दवाई। जैसे कि हम देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी, तो अब हम इसमें अंडा मिला रहे हैं। फ्रेंड्स अंडा बहुत ज़रूरी है इस दलिये के लिए, इससे फ्लेवर आता है और डॉग इस अंडे की वजह से इसे इतना शौक से खाता है क्योंकि ये कच्चा डाल रहे हैं हम। अगर आपका डॉग 6 महीने से छोटा है तो उसे आप कच्चा अंडा ना दें, इस अंडे को उबाल के मैश करके फिर इस दलिये में डालें। और अगर आपका डॉग 6 महीने से ऊपर है तो आप ऐसे रो एग मतलब कच्चा अंडा दे सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आती। लोग कहते हैं दिक्कत आ जाती है, ये हो जाता है वो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। कच्चा अंडा आप दे सकते हो डॉग को, इससे दलिये में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें आप बॉइल्ड चिकन भी डाल सकते हो, अगर जैसे हफ्ते में एक दिन आप इसमें बॉइल्ड चिकन डाल सकते हो। बाकी हम अपने डॉग्स को रोज़ के 3 अंडे देते हैं, एक डॉग को हम 3 अंडे रोज़ देते हैं। और जैसे फीमेल है प्रेग्नेंट है तो उसे 5 अंडे देते हैं रोज के।
तो जैसे कि आप देख रहे हो, हम अच्छे से अंडे को मिक्स कर लेंगे दलिया में, और अब इन्हें हम सर्व करेंगे इस दलिये को। तो फ्रेंड्स, आपके सामने है सब कुछ कि कितने अच्छे तरीके से, कितने मन से लोग इस दलिये को खा रहे हैं, क्योंकि इसमें दही भी है और अंडा भी है, तो ये इनको बहुत पसंद है। और इसमें फाइबर भी है आपका, इसमें प्रोटीन भी है, इसमें कार्ब्स भी हैं, और डॉग की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है, घर का बना हुआ है डॉग फूड। ठीक है, मतलब अच्छा है डॉग फूड भी, लेकिन हम उसे तीनों टाइम अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ये अल्टरनेटिव है और बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। और फ्रेंड्स, ये जो डॉग फूड होते हैं, इनमें प्रिजर्वेटिव्स भी मिले होते हैं, केमिकल होते हैं, तो हमें ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, दिन में एक बार दे दो खाने को, लेकिन तीनों टाइम डॉग फूड को अवॉइड कीजिए। और फ्रेंड्स, मैंने खुद कंपेयर करा है डॉग फूड को इससे, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है ज़्यादा है डॉग फूड के कंपेरेटिव, और नेचुरल है ये, क्योंकि डॉग्स में बीमारी आती हैं एक एज पे आके, 6-7 साल में उनमें बीमारी आ जाती है, कैंसर की आ जाती है, और भी बीमारी आ जाती हैं, तो उसका भी चांसेस, उसके चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे अगर आप उन्हें नेचुरल डाइट देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि ये जो डॉग फूड मैंने बनाया दलिये का, कितना शौक से ये लोग खा रहे हैं। इसमें हर, इसमें फाइबर भी है, इसमें प्रोटीन भी है, इसमें कार्ब्स भी हैं, सब कुछ है इसमें। ठीक है, अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर से पूछोगे इस डाइट के बारे में, वो भी आपको रिकमेंड करेंगे कि एज़ कम्पेयर टू ये अपना डॉग फूड जितने भी आ रहे हैं, ये इनसे कंपेरिजन में ये फूड ज़्यादा अच्छा है और हेल्दी है। क्योंकि डॉग फूड के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कब्ज़ हो जाना डॉग को, अगर आप ढंग से मतलब उसमें पानी नहीं मिला रहे या फिर कुछ और उसमें दही नहीं मिला, प्लस ये महंगे बहुत हैं। ठीक है, तो जो मैंने अभी इनकी डेली की मतलब वो बना रखी है, 3 टाइम मैंने खाना देता हूँ मैं डॉग को। एक टाइम मैं देता हूँ सुबह के टाइम में दलिया, दोपहर के टाइम पे स्नैक्स के लिए मैं इनके डॉग वाले बिस्किट या फिर कभी कभार पेडिग्री भी दे देता हूँ, क्योंकि डॉग है, 3 टाइम खाना तो देना ही चाहिए। ठीक है, और रात को मैं देता हूँ इन्हें, इनकी एक बिरयानी बनाता हूँ मैं तो वो आपको दिखाते हैं कि कैसे ये बिरयानी बनती है, और ये भी बहुत शौक से खाते हैं फ्रेंड्स ये लोग, तो देखते रहिए आगे। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था कि हम रात में इन्हें बिरयानी देते हैं, तो उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं, ये सोया चंक्स हैं, ये कद्दू और लौकी, अंडे और चावल, इनसे आपकी बहुत बढ़िया बिरयानी बनेगी। कैसे बनेगी हम आपको दिखाते हैं। पहले हम लौकी और कद्दू को काट के अच्छे से सीटी मार लेंगे और गला देंगे, और चावलों को भी हम पतीले में गला देंगे, और बड़ियों को भी हल्के गर्म पानी में निकाल देंगे। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम इनके लिए बिरयानी तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे चावल ले लिए, सोया चंक्स डाल दिए हैं उसके अंदर, और हमने लौकी और जो कद्दू है उसको भी मिला दिया है, और इसमें हम डालेंगे अंडे। एक अडल्ट डॉग के हम दिन के 2 अंडे देते हैं, और बच्चे को 3 अंडे, एक सुबह और 2 शाम को। अब अच्छे से हम इसे मिला देंगे। अगर आप चाहें तो लौकी का जो ऊपर का जो छिलका होता है वो भी निकाल सकते हैं, उससे और अच्छी बिरयानी बनेगी, पर हमारे डॉग जो हैं वो ऊपर का छिलका तक खा लेते हैं। और ये आपके एक डॉग की बिरयानी तैयार है। आप इसमें जैसे वीक में एक दिन चिकन में रिबोल कर डाल सकते हो एग की जगह, वो भी बहुत शौक से खाते हैं ये लोग। तो फ्रेंड्स, अगर आप रोटी भी नहीं बनाना चाहते डॉग के लिए, तो ये वाली डाइट भी आप यूज़ कर सकते हो आराम से, दलिये वाली और ये बिरयानी वाली, बहुत ज़्यादा हेल्दी है
कोई भी, जब से मैंने अपना कैनल स्टार्ट करा है तब पहले मैंने ही मैंने डॉग फूड दिया है ना 3 टाइम, उसके बाद से मैं यही डाइट दे रहा हूँ और किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि सब कुछ नेचुरल है, सब कुछ घर का बना हुआ है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है डॉग फूड की तरह। दीजिए डॉग फूड भी, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो कितने शौक से ये बिरयानी को खा रहा है। खा ले बेटा, खा ले। फ्रेंड्स, ये क्वालिटी फूड है और बॉडी पे इनके लगता भी है, आपको हेल्थ दिख रही होगी बच्चों की, और बहुत शौक से ऐसे खाते हैं ये। तो फ्रेंड्स, ये देखा आपने ये कितने शौक से ये लोग बिरयानी खाते हैं, ये इनके लिए मैं स्पेशल ये बनाता हूँ, और बहुत शौक से बहुत मन के साथ ये खाते हैं ये। और इससे मेरे मतलब मेरे को बहुत फ़ायदे हैं कि एक तो मेरा ये डॉग फूड का खर्चा कम हो गया है जब से मैंने ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू करें, और प्लस इनकी हेल्थ पे मैंने देखा है इनका वेट गेन अच्छे से हो रहा है, और फीमेल हीट पे भी आ रही हैं। तो कुल मिला के फ्रेंड्स, ये है कि ये बहुत इकोनॉमिक वे है, सस्ता तरीका है अपना। आप अगर आप कैनल है आपका, आपका डॉग बिजनेस है, या फिर आप घर में भी आपका एक पेट है, उसके लिए आप चीप एंड बेस्ट आप डॉग फूड ऐसे रेडी कर सकते हो, ठीक है। और ऐसी वीडियो फ्रेंड्स मैं लाता रहूँगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।